सेकंड का वीडियो लिए हैं, एक सेकंड का ऐसे ही देखेंगे। मुख्य समाचार आप लोग सुन चुके हैं। So, आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सो चलो आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो आज क्या है ना कि मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड वो सब मैं कुछ भी शूट नहीं की। हालांकि मुझे शूट करने का मन था क्योंकि आज घर पर हस्बैंड जी हैं तो उनके साथ कुछ भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, मुझे पता है। लेकिन होता है ना कि मैं उनको एक काम बोलूँगी, वो काम वो अच्छे से करते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता उनसे, कुछ भी नहीं। तो उस बीच में क्या हो गया ना कि कुछ नहीं, मैं ही थोड़ा सा मतलब नाराज़ हो गई हूँ उनसे। और इधर क्या है ना कि मैं घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो तो मैं कर ही रही थी और साथ में वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, मतलब वो अब भी सो ही रहे हैं। क्या है ना कि वो घर पर है, इसका मतलब वो तो मेरे पीछे हमेशा से लगे ही रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ही कि मैं गुस्सा हो जाऊं। तो बस वही चीज़ मैं भी कर ही रही हूँ एंड अभी वो सो रहे हैं तो मैं उनको नहीं दिखा सकती। वो उठते हैं तो देखती हूँ उनसे मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, अभी नहीं पता है। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। सो अभी मैं दोपहर का लंच बनाने लगी हूँ तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तो उसमें ना क्या है कि मैं सब कुछ एक बार में ही डाल दी हूँ, जैसे प्याज, लहसुन, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ, साथ में हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैं सरसों तेल डालकर इसमें एक बार में ही चढ़ा दी हूँ। मैं इसको कोई भी अलग से तड़का नहीं लगाने वाली हूँ। साथ में मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ ताकि एक साथ में ही सब कुछ बन जाएगा। और मैं रोटी भी बनाने वाली हूँ इसलिए चावल थोड़ा सा मैं कम ही बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं फूल गोभी की सिंपल सी भाजी बनाने वाली हूँ। तो जैसे हम नॉर्मल जैसे तड़का लगाते हैं जीरा, साथ में हो गया प्याज। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक के साथ ही मैं इसे बना रही हूँ एंड इसको मैं ढक ढक कर ही बनाऊँगी। और अभी का फूल गोभी क्या है ना कि मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा ढक कर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो देख लीजिए इधर ये दाल भी बन चुका है, साथ में फूल गोभी क्या है ना उसको मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही कुक कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं रोटी भी बना लूँगी, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ एक लोगों के हिसाब से ही बनाऊँगी। तो 3 से 4 रोटी ही यहाँ पर बना लूँगी, उतने में ही हो ही जाएगा। आज क्या है ना कि मैं बहुत ही हड़बड़ी में ही खाना बना रही थी, मतलब मैं आटा को ना अच्छे से गूंथ कर ना रखी नहीं थी। जैसे आटा को गूंथने के बाद थोड़ा देर रख देने से क्या है ना कि रोटी बहुत ही अच्छे से फूलता है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, सॉफ्ट भी बनता है। तो मुझे तो आटा लगाना पसंद है ही नहीं, लेकिन क्या करूँ, खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही और आटा को भी अच्छे से लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आज टाइम कम था इसलिए हुआ नहीं। और देख लीजिए कि अभी हमारा ये लंच बनकर कंप्लीट हो चुका है, दाल चावल रोटी फूल गोभी की सिंपल सा भाजी। तो भी रोटी और चावल अलग अलग रखी हूँ, अब दोनों को जैसा मन करेगा हम लोग वैसा ही खा भी लेंगे।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी क्या है ना कि शाम हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे मार्केट की ओर, देखते हैं कि अभी क्या क्या करेंगे। तो क्या है ना कि आज मतलब इतना मुझे ख़राब लग रहा था, मतलब नींद आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मतलब मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, अगर दोपहर को सो गई ना तो फिर रात का नींद हराम हो जाता है मेरा, और ये मेरे साथ हमेशा होता ही है। तो आज मतलब मुझे पावर नैप की सख्त ज़रूरत थी, मुश्किल से मैं आधा घंटा ही सोई हूँ। और अगर मैं नहीं सोती ना तो फिर पता नहीं अभी मैं वीडियो बना पाती या नहीं, नहीं पता। मतलब आग अपने आप बंद हो ही जा रहा था, कुछ मैं कर ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। एंड हस्बैंड जी भी घर में थे ना, तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, जैसे मोबाइल में एडिटिंग वगैरह ये सब होता है, तो मैं वो सब भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो मूवी वगैरह ये सब देखने लगे थे, तो और नहीं हुआ, लास्ट तक तो मैं मूवी वगैरह ये सब देखी ही नहीं, मैं सो ही गई। सो अभी क्या है ना कि हम लोग मार्केट की ओर आ जाएंगे। हमें कुछ कुछ ज़रूरत के सामान थे, जैसे मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ ना, तो एक मिट्टी का बर्तन देख लीजिए, इसमें मैं धूप जलाती हूँ, तो ये ना मुझसे ही हाथ लगकर मतलब टूट गया था। और इसके बाद हम लोग अभी ये फल भी ले लेंगे, साथ में कुछ सब्जी भी खरीद लेंगे। मटर कैसे कर रहे हैं? मटर देसी कर देते सीधे, एक किलो एक कर दो ना, दाना देख के दे। और पालक कैसे है? एक काम करिए ना, इतना तो लगेगा नहीं, दोनों को मिला के दे दीजिए। अकेले अकेले खा रहे हैं, मेरे को छोड़ के। सो मैं उधर सब्जी खरीद रही थी और साथ में क्या है ना कि हस्बैंड जी को भूख लग गया था, तो वो इधर समोसा कचौड़ी खाने के लिए आ गए थे, और उनसे मैं सिर्फ एक बाइट ली और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब नॉर्मली क्या है ना, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम ही खाती हूँ। समोसा वगैरह ये सब तो पता नहीं मैं कब खाई हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं फिर से बनवा ली। और ये टेस्ट नॉर्मली मिलता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर देख लीजिए, समोसा और कचौड़ी दही के साथ में, हरी चटनी के साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर कौन सा फ्लेवर है क्या बता रहे? इधर समोसा है। यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम लोग लस्सी भी ट्राई कर रहे हैं, और सच बताऊँ हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब हमारे पास वाले मार्केट में मुझे यहीं का ही मतलब कोई सा भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रात में बाहर इतना ठंड होता है ना, मतलब घर पे रहो तो पता ही नहीं चलता, मैं तो स्वेटर पहनती ही नहीं हूँ, लेकिन बाहर निकलने से स्वेटर सब कुछ पहन कर ही निकलना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर की ओर। घर आ चुके हैं, घर तो मतलब बहुत देर पहले ही आ चुकी हूँ। तो क्या है ना कि आप लोग तो देखे ही कि मैं क्या क्या ली, मतलब घर के ही सब्जी वगैरह थे ये सभी ली हूँ, और एक वो मतलब जैसे थर्सडे को मैं पूजा करती हूँ ना, तो उसमें जो धूप देते हैं वो मेरा टूट गया था, और मैं कुछ दिन से मतलब उसमें पूजा नहीं कर पा रही थी, तो बस वही था, वही लेना था, और ज़रूरी काम भी थे वो भी हो गए। तो और क्या है ना कि अभी ये सब मैं अच्छे से मतलब अपने अपने जगह पे ही मैं रख दी हूँ उसको, इसलिए थोड़े देर बाद ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ।
और क्या है ना कि अभी मैं डिनर भी कर लूंगी, तो आज डिनर में वही दोपहर में मैं जो बनाई थी फूलगोभी की भाजी और दाल वही रहेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और हस्बैंड जी क्या है ना कि वो अपना वहीं से ही डिनर कर आएंगे, वो मुझे बोले हैं, तो चलो अभी मैं खुद डिनर कर लेती हूँ, अकेले अकेले हूँ, और अधिकतर ऐसा होता है मेरे साथ में। तो अभी रोटी बनाना है, बस आटा लगा हुआ ही है पहले से ही, तो रोटी बनाना है और थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह ये सब गरम कर लूंगी, हो जाएगा मेरा उसी में ही। सो अभी क्या है ना कि देख लीजिए किचन पूरा बिखरा हुआ है, और क्या है ना कि ये बर्तन की वजह से यहाँ पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इसका काउंटर टॉप ना थोड़ा सा मतलब छोटे ही है, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं गैस रख लूँ तो इधर मैं कुछ रख नहीं पाती हूँ, यहाँ तो ये ट्राईपॉड ही पूरा काम ख़त्म कर देता है। बाकी अभी इधर बर्तन है, तो यहाँ पर अभी मुझे रोटी भी बनाना है, तो क्या है ना कि अभी मैं बर्तन लोग को यहाँ स्टैंड में रख देने वाली। तो रात का डिनर का प्लान हमारा चेंज हो जाता है और हस्बैंड जी बाहर से भी खाना लेकर आते हैं और घर में भी मैं तो खाना बनाई ही थी, तो उसी में ही हमारा हो भी जाएगा डिनर। सो अभी मेरा ये बर्तन रखना भी हो चुका है, क्लीन हो चुका है। किचन में क्या है ना थोड़े थोड़े में ही ना किचन पूरा मैसी हो जाता है, और किचन का जो ये मतलब सामने ही मेरे रखा हुआ है ये सब जो मसाले के सब डिब्बे वगैरह है ना, ये मैं कुछ दिन से क्लीन कर ही नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं इसका मुहूर्त कब निकलेगा। आप लोग तो देखे ही कि मैं किचन को कब मैं क्लीन की थी, एंड उसके बाद से ये डिब्बे वगैरह जब से मतलब मैसी हुए हैं तो बस वैसे ही रखे हुए हैं, अब तक मैं कुछ भी नहीं की हूँ। पता नहीं कब करूँगी, कब होगा। और चलिए अभी मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, एंड हस्बैंड जी का प्लान चेंज हुआ है, वो मुझे थोड़ी देर पहले फिर से कॉल किए थे कि वो वहाँ पर नहीं खाएंगे, मतलब घर पर आके ही खाएंगे वो, तो होता है मूड भी चेंज होता है उनका कभी कभी। तो चलिए अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, मतलब हंसते हंसते ही मैं पागल हो जाऊंगी। तो अभी हम लोग का डिनर कंप्लीट हो चुका है, और जैसे हस्बैंड जी बोले थे कि वो वहीं से कर कर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर से घर आ गए और घर पर ही डिनर किए। इस इंसान को देख लीजिए कहाँ है, तो इस इंसान को देख लीजिए, आज ये दिन भर घर पर थे, दिन भर, लेकिन हाँ इसीलिए देख लीजिए कि आज ये दिन भर घर पर थे, थोड़ा सा भी क्लिप नहीं लिए हैं, एक तो भी वीडियो नहीं बनाया है। ऊपर से मैं इनको बोली कि मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो 1 सेकंड का वीडियो लिए हैं, 1 सेकंड का, 1 सेकंड नहीं 3 सेकंड गिन के वो 3 सेकंड का वीडियो लिए हैं। मैं घर में काम वगैरह ये सब कर रही थी, कपड़े धोई, पूजा वगैरह की, सुबह के जो काम रहते हैं वो मैं कर रही थी, और ये महान इंसान सो रहे थे। मैं क्या बोलूंगी इनको, कुछ भी वीडियो नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, अपने से एक वीडियो नहीं बनाते हैं, एक भी वीडियो नहीं। मैं अगर वीडियो बनाऊं तो बनेगा, नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनेगा। इनको पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है वीडियो में, तो बस आज ऐसे के ही मुख्य देखेंगे। समाचार आप लोग सुन चुके हैं। बुला बुला के ये सब कह रहे हो। तो कौन आना चाहेगा भाई, कह रहे हो कि तुम बुलाती, आइए देखिए फिर चालू। यही है वो संगीन चेहरा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, यही है वो चेहरा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ये ब्लॉग कभी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही मुझे बहुत बोलते हैं बहुत कि मैं पता है ऐसे बनाऊंगा वीडियो, वैसे बनाऊंगा। चलो एक वीडियो बनाते हैं कॉमेडी वाला, अभी थोड़े देर पहले ही बोल रहे थे कि हम लोग चलते हैं कहीं पर वीडियो शूटिंग करेंगे, तो पार्क में ही बोल रहे थे, तो मैं बोली कि कैमरा कौन पकड़ेगा, कैमरामैन कौन बनेगा। तो एक ऐसे इंसान का नाम लिए कि वो कुछ तो मैं क्या बोलूं। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं,
और वीडियो अगर किसी भी रीजन पे अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्या ध्यान में बैठे हैं, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।